मैंने सुमन भाई जी की लगभग मोदी नगर लक्ष्मी नारायण मंदिर मोदी नगर में लगभग 8 या 10 राम कथाएं सुनी। एक कथा के दौरान मैं स्वयं सुमन भाई जी व्यास गद्दी पर बैठे हुए थे। मैं आम दर्शकों में आम धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ बैठा हुआ था, तो मुझे अचानक व्यास पीठ पर सुमन भाई जी न दिखाई देकर उनके स्थान पर सफेद बाल वाले जो हनुमान जी हैं, केवल मुख तो उनका उन्हीं का था लेकिन रूप जो है वो हनुमान जी का दिखाई दिया। तो मुझे ऐसा लगा, पहले मैंने चश्मा उतारकर आंखों को मला और आंखों को मलने के बाद फिर देखा, फिर भी वही रूप दिखाई दिया। उसके बाद मैं उस रूप को देखने के बाद मैं उस कथा मंडप से उठकर आंख मलता हुआ लड़खड़ाता हुआ इससे बाहर आया। बाहर मुझे मेरा गनर साथ एक गनर रहता था, उस गनर ने मुझे पकड़कर बोला क्या मामला है। मैं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं पुनः उसी कथा मंडप में बैठा रहा। और जब कथा समाप्त हो गई, उस कथा के समापन के बाद मैं सुमन भाई जी के पास गया। मैंने भाई जी ये बताइए कि कथा आप कर रहे थे या हनुमान जी कर रहे थे। बोले नहीं क्या व्यास गति पर बैठा था और मैंने ही कथा देखो आया भी हूँ मारपण भी हुआ। मैं नहीं भाई जी स्पष्ट रूप से बताइए कारण क्या है। लेकिन जब ज्यादा आग्रह किया तो सुमन भाई जी उस बात को इधर उधर करके टाल गए। तो कि वास्तव में रामचरितमानस में एक ऐसी शक्ति है कि इस वर्तमान कलयुग में हनुमान जी के द्वारा हम सब कुछ इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं उसी दिन से मैं सुमन भाई जी को हनुमान जी के रूप में मानकर यहाँ उज्जैन में लगभग चौथी बार आया हूँ, और इसी आशा से कि हनुमान जी का स्वरूप वास्तव में सुमन भाई जी हैं, जो राम के प्रचार को दिन रात देश विदेश में कर रहे हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों पर सुमन भाई जी कथा करेंगे। मैंने भी संकल्प किया है कि जहाँ जहाँ सुमन भाई जी कथा करेंगे मैं सह पत्नी सह मित्रों के साथ उन ज्योतिर्लिंगों पर सुमन भाई जी की कथा सुनकर अपने जीवन को अपने परिवारजनों के जीवन को सार्थक करने का प्रयास करूंगा।